दाहोद के विरल सेठ मर्डर केस में आरोपी दिलीप देवल को दाहोद सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आखिरकार विरल सेठ मर्डर केस का फैसला सुनाया गया और अब जाकर विरल सेठ के परिवार को न्याय मिला है। यह मामला कुछ इस तरह था कि गोडी रोड पर रहते विरल रमेश चंद्र काड़ीदास सेठ आरोपी दिलीप देवल के मित्र थे और आरोपी के उनकी पत्नी के साथ कुछ नाजायज संबंध। इन दोनों के बीच अब विरल सेठ बड़ा मसला बन गए थे, इसलिए आरोपी ने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया और इस काम में उनके साथ उनके मित्र सोनू ने भी उनकी मदद की। आरोपी दिलीप और सोनू ने मिलकर गोदी रोड से विरल सेठ का अपहरण किया और फिर अपनी माउजर से विरल सेठ के सिर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और बाद में लाश को खरेड़ी के एक खेत में दफन कर दिया गया। इस मामले में पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और जांच के लिए जब पुलिस खराड़ी मुकाम पर पहुंची तो 5 फीट की गहराई से मानव कंकाल मिला था और उस पर लगे कपड़ों के जरिए यह कंकाल विरल सेठ का ही है यह मालूम किया गया। इस मामले में पूरी हकीकत के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और वहां पर दाहोद सेशन कोर्ट ने आरोपी दिलीप देवल को धारा 302 और 201 के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बोलो। आज दाहोद मुकाम है, आरोपी दिलीप भाई गौतम भाई देवल नावल है जैसावाड़ा पुलिस स्टेशन ना गुना में अरेस्ट करेल अने ए दरमियान देवल ना इंट्रोगेशन दरमियान दाहोद ना विरल भाई ना खून केस नो गुनो डिटेक्ट थता तेवो ए करेल कबूलात आधारे विरल ना कंकाल तेना खेतर माथी मळी आवे जे केस मां तेवो सामे चार्जशीट करेल अने ते गुना में आज रोज सेशन कोर्ट दाहोद आरोपी भावसिंह देवल दिलीप भावसिंह देवल नावल 302 તેમજ 201ના ગુનામાં આજીવન કેદની સજા મૃત્યુ પર્યંતની કરેલ છે અને અન્ય બે સહાયક આરોપીને શંકાનો લાભ આપીને છોડી મૂકવાનો પણ